नमस्कार, जैस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। साहित्यकारों की श्रेणी में आज के दौर में किसी का नाम आता है तो वह है नई दिल्ली के आईटीओ हिंदी भवन के ठीक नीचे चाय बेचने वाला लक्ष्मण राव का, जिनकी सफर के किस्से ही प्रेरणा की मिसाल बन जाते हैं। लेखक लक्ष्मण राव जी का जन्म मुंबई में हुआ था। बता दें कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में करी थी। लक्ष्मण राव जी एक ऐसे साहित्यकार और काफ़ी जाने माने लेखक हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक छोटी सी चाय की दुकान से अपनी सफ़र की शुरुआत करी। अभी तक लक्ष्मण राव तकरीबन 25 से ज़्यादा नॉवल लिख चुके हैं। अपनी कल्पना और दिनचर्या जीवन की अनभूज पहेलियों को काली स्याही के माध्यम से एक नया अध्याय लिखा। इनका काम चाय बेचना है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचाना है। वही चाय बेचकर जो आमदनी होती है उसी से वह किताबें लिखने और प्रकाशित करने का काम करते रहे हैं। इसी क्रम में मुझे भी लक्ष्मण राव जी से मिलने का अवसर प्राप्त कुछ साल पहले आईटीओ हिंदी भवन में हुआ था। लक्ष्मण राव जी एक चर्चित लेखक के रूप में सबसे अग्रणी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों पुरस्कार भी मिल चुके हैं। काली स्याही से शब्दों को सफेद कागज पर पिरोना लक्ष्मण राव जी को कई पुरस्कार देश में अभी तक मिल चुके हैं। काली स्याही से शब्दों को सफेद कागज पर पिरोना आसान नहीं है, वो काम कर दिखाया है तो नाम आता है लेखक लक्ष्मण।